हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सभी? एकदम से अच्छे, वेरी गुड। बेटा बेटा आज से हम आपके जो साइंस का सामान्य विज्ञान जिसको हम कहते हैं, उसमें हम आपके आप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है बेटा। आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें जो अच्छा है आप उसको सॉल्व करें बेटा। करेक्ट हो, कोई रीज़न हो, आप पूछ सकते हैं बेटा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा बेटा। पहला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? बेटा सेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है? तो ये इंग्लिश की टर्म लिखी हुई है सेल। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि भाई जो सेल है वो नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया? तो आपके ऑप्शंस है बेटा, पहला है फ्लेमिंग, दूसरा है बेटा ल्यूवेन हुक, तीसरा नाम है रॉबर्ट हुक, और बेटा चौथा ऑप्शन है आपका ब्राउन। अगर इसको देखें तो ये आपका पूरा ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सविता, गुड आफ्टरनून सर। रविंद्र कुमार, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, या राम राम गुरुजी। ठीक है बेटा, तो आपका क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन फ्लेमिंग, दूसरा है ल्यूवेन हुक, तीसरा रॉबर्ट हुक, और चौथा है बेटा रॉबर्ट ब्राउन। तो अनूप यादव, चलिए बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए अगर किसी को पता है। अनूप यादव का सी ऑप्शन है, और कोई जल्दी से? शाबाश बेटा, जल्दी से। अनूप यादव सी ऑप्शन, रविंद्र कुमार भी सी ऑप्शन, और कोई बेटा जल्दी से बताओ। ये चलिए देखिए बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसका नाम है बेटा, आप कहेंगे सर, रॉबर्ट हुक। इसका बेटा करेक्ट आंसर है, ठीक है? इसी तरह से बेटा क्यों है इसका करेक्ट ये और देख लीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा 1665 में सबसे पहले 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक आया था, जिसने आपकी डेड सेल यानी कि मरी या मृत कोशिकाओं के बारे में बताया था। 1674 में बेटा आया था ल्यूवेन हुक, लेकिन इसने जीवित कोशिकाओं के बारे में बताया था। यहाँ पे आप ऑप्शन ए देख रहे हैं बेटा, फ्लेमिंग, इसने कोशिका विभाजन बताया था, सेल डिवीजन, और बेटा डी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को खोजा था। लेकिन क्वेश्चन में बेटा सेल पूछा है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक यानी कि सी ऑप्शन। चलिए बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? मतलब ऐसे कौन से कोशिका अंग हैं जो बेटा जंतु कोशिकाओं में होते हैं लेकिन आपके प्लांट के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर नहीं होते? तो आपके ऑप्शन है बेटा राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है सेंट्रोमियर, और डी ऑप्शन है बेटा सेंट्रीओल। पहला ऑप्शन है बेटा राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है बेटा आपका सेंट्रोमियर, और आपका डी ऑप्शन है सेंट्रीओल। जल्दी से कमेंट कीजिए बेटा, कौन से कोशिका अंग आपके जंतु कोशिका में होते हैं और बेटा कौन से प्लांट के अंदर नहीं होते? अभी अनूप यादव ने कमेंट किया है सी ऑप्शन। बेटा जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तभी आंसर दिया करो। रविंद्र कुमार भी सी कह रहा है। बेटा सोचो, फिर से सोचो अनूप, रविंद्र, दोबारा से बेटा इसका सोचो। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर और बेटा सेंट्रियोल। सविता सी, बेटा तीनों के आपका बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका ये करेक्ट आंसर नहीं है बेटा, इसका ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, और इसका जो डी ऑप्शन है बेटा वो बिल्कुल करेक्ट है। सविता, रविंद्र, अनूप, इसका जो बेटा ऑप्शन है वो डी है। कैसे है वो और सुन लो बेटा, जो जंतु कोशिका होती है एनिमल सेल,
उसमें सेंट्रियोल। और बेटा सेंट्रियोल तो इंग्लिश की टर्म है, अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करें सेंट्रियोल को तो इसका मीनिंग होता है बेटा तारक का है, तारक का है। तो बेटा सेंट्रोसोम आपका एनिमल सेल में होता है लेकिन आपकी प्लांट सेल में नहीं होता। सेंट्रोसोम का मतलब होता है सेंट्रियोल, मतलब तारक काय बोलते हैं इसको। राइबोसोम भी पेड़ों में होता है, जंतुओं में, माइटोकॉन्ड्रिया भी। और ये सेंट्रोमियर जो है बेटा, सेंट्रोमियर एक जाल है, थ्रेड है, एक धागा है, जो प्लांट की जड़ों में भी होता है बेटा। और एनिमल्स की जहाँ पर क्या होती है, जहाँ पे मास होता है ना, मील बोलते हैं, वहाँ पर यह मस्कुलर टिश्यू होता है, वहाँ पर सेंट्रोमियर होता है। अनूप यादव इंग्लिश में लेके आओ गुरुजी। बेटा आज आप यहाँ पढ़ लो, आपको मैं टर्म बता देता हूँ इंग्लिश में किसकी क्या है। कल से बेटा आपका ज़रूर हम इसको इंग्लिश में कर देंगे, लेकिन आज आपका बेटा इसी में देख लो प्लीज़, है ना। मैं आपको टर्म बता दिया करूँगा अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, देखो कोशिका में राइबोसोम की अब्सेंट में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। बेटा क्वेश्चन है, अगर आपकी कोशिका में से राइबोसोम हटा दिया जाए तो बताइए कौन सा कार्य नहीं होगा। पहला ऑप्शन है बेटा रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, दूसरा है बेटा एक्सक्रेशन या एक्सर्शन जिसको हम उत्सर्जन कहते हैं, तीसरा है बेटा प्रोटीन सिंथेसाइज यानी कि प्रोटीन संश्लेषण, और चौथा है बेटा कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए अगर राइबोसोम को हटा दिया जाए तो कौन सा कार्य कोशिकाओं में नहीं होगा। पहला रेस्पिरेशन नहीं होगा, दूसरा एक्सर्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन है सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, और चौथा है बेटा कार्बोहाइड्रेट। तो आरती यादव जिसने सी ऑप्शन दिया है, विनीत यादव ने कहा है कि सर 12 बजे तो राहुल सर की क्लास थी। बेटा उनकी भी क्लास है राहुल सर की, है ना। ये आपका सामान्य है बेटा, वो एनडीए के लिए है। सीमा महलावत सी ऑप्शन है, और नीरज कुमार बी, सविता सी। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। क्यों होगा सी, अब एक बात समझिए। राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गन है बेटा या ऐसा कोशिका अंग है जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, और उसके साथ साथ आपका प्रोटीन जो है टुकड़ों में बंटता है, और प्रोटीन का टुकड़ों में बंट जाना ही क्या कहलाएगा, प्रोटीन संश्लेषण या सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। तो बेटा इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सी जो है करेक्ट है। सविता सीमा आरती आपके बिल्कुल सही आंसर है बेटा। चलिए आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो सेल के अंदर कौन सा काम नहीं हो पाएगा। यदि बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका बिल्कुल काम करना बंद कर दे तो क्या नहीं होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन है भोजन का अवकरण, दूसरा है बेटा भोजन का ऑक्सीकरण, तीसरा है बेटा डाइजेशन ऑफ फूड भोजन का पाचन, और चौथा है बेटा जिसका नाम है भोजन का अवशोषण। भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, बेटा ऑक्सीकरण का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन, तीसरा ऑप्शन है भोजन का डाइजेशन यानी कि आप कहेंगे सर डाइजेशन ऑफ फूड, और चौथा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो बेटा एक अनूप ने दिया है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बेटा इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है अनूप यादव जिसमें आपकी ऊर्जा का नाम हो, सारे भोजन से रिलेटेड है बेटा। तो आप इन्हीं के आप बताएंगे और ये लिंक बनेगा कि आपका कैसे उसमें से एनर्जी निकलेगी। तो एक बात देखो बेटा, सीमा महलावत कह रही है बी ऑप्शन यानी कि भोजन का ऑक्सीडेशन, आरती यादव ने कहा है सी भोजन का पाचन, इसी तरह से नीरज कुमार ने भी कहा है सी। तो बेटा इसका करेक्ट जो आंसर है, हाँ अनूप यादव सी, अनूप यादव, अब बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो सीमा महलावत का बिल्कुल ठीक है बेटा, और उसका नाम है भोजन का ऑक्सीकरण। ये देखो बेटा आप इसका मीनिंग समझो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। भोजन का पाचन, बेटा एक बात बताओ, भोजन का पाचन तो आपकी छोटी आंत बड़ी आंत पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं होता बेटा। हाँ फिर से सुन लो, भोजन का जो डाइजेशन होता है बेटा वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे सेल के चैप्टर से है बेटा। अब इसका आंसर बी कैसे वो ध्यान से देखो।
बेटा जब आपका भोजन का डाइजेशन होता है तो हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में और ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। तो बेटा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बेटा यहाँ पे देखो, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब माइटोकॉन्ड्रिया होती है बेटा तो वहाँ पे वो ग्लूकोज टूट जाता है, और ग्लूकोज के टूटने से या कोई भी चीज़ टूटने से आपकी जो एनर्जी है वो बेटा रिलीज हो जाएगी। तो आपने ये जो अनूप यादव ने कहा था फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो बेटा आप पहले ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। करेक्ट है बेटा। चलिए, डाइजेशन नहीं कर सकते बेटा, डाइजेशन में तो आपके अंग होंगे, छोटी आंत बड़ी आंत, लेकिन ये ना छोटी आंत कह रहा है ना बड़ी आंत, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है बेटा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का क्या आएगा? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कोशिका का ऊर्जा घर, ये ग्रह है बेटा, लेकिन इसको वैसा ग्रह आएगा, ये किसे कहते हैं? पहला है गोल्जी काय, इसको बेटा आप गोल्गी एपरेटस बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा न्यूक्लियोलोल्स, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया, और ऐसे ही होता है बेटा राइबोसोम, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। किसको कहा जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम। तो चलिए इसका जल्दी से बेटा बताइए, अनूप यादव, माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड बेटा। और बताइए आरती, सीमा बेटा कहाँ गए आप सभी? सीमा महलावत सी, रविंद्र कुमार सी, वेरी गुड बेटा। अब एक बात देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे इंग्लिश की टर्म है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिकाएं। ध्यान से समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा सूत्रकणिकाएं भी बोलते हैं। तो कल को अगर आपका ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया ना हो और इसकी जगह सूत्रकणिकाएं लिख दे, तो बेटा सूत्रकणिकाओं का मीनिंग हिंदी में है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश की टर्म है। तो नीरज कुमार बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, सीमा सही है, रविंद्र भी सही है। चलिए बेटा सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, यानी कि सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन, सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है गोल्गी एपरेटस, दूसरा है बेटा राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, और ऐसे डी ऑप्शन है बेटा सेंट्रोसोम्स। हमारा क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में प्रोटीन का जो बनना है या उसमें जो टूट फूट है छोटे टुकड़ों में बटना, तो भोजन का छोटे टुकड़ों में बटना कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीरज कुमार, माइटोकॉन्ड्रिया। नीरज कुमार ये क्या आंसर दे रहे हो बेटा आप? बेटा प्रोटीन का बनना और प्रोटीन का टूटना ये तो हमारा राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, गालजी का एक ऐसे आंसर होगा सीमा? बेटा गालजी का एक ऐसे होगा मुझे बताओ, गालजी का में तो प्रोटीन थोड़ी बनेगा या टूटेगा? बेटा सिक्स का ए नहीं होगा, सिक्स का बी होगा, राइबोसोम। बेटा राइबोसोम पर प्रोटीन बनता है और टूट जाता है। ठीक है बेटा, राइबोसोम जो है यहाँ पर प्रोटीन बनेगा और टूटेगा, जबकि नीरज कुमार सी ऑप्शन तो बेटा ग्लूकोज का टूटना है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन क्वेश्चन में बेटा ग्लूकोज ना पूछ के प्रोटीन पूछा है, तो इसका आंसर बेटा राइबोसोम होगा। सभी ध्यान से देखो, अभी पीछे एक क्वेश्चन आया तो था, अगला क्वेश्चन है बेटा सेवंथ, कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग, या निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिका अंग है? पहला है गुणसूत्र, दूसरा है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है बेटा प्लास्टिड, और चौथा ऑप्शन है गाल्जी काय। चौथा ऑप्शन है बेटा गाल्जी काय। चलिए ध्यान से देखो, निम्न में से सबसे बड़ा सेल ऑर्गन पूछा है बेटा, अब इंग्लिश में बदल देता हूँ मैं, गुणसूत्र को बोलते हैं इसको क्रोमोसोम, गुणसूत्र का मीनिंग होता है बेटा क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में ही है बेटा, प्लास्टिड होता है लवक। ध्यान से देखिएगा, प्लास्टिड को बोलते हैं लवक, और इसी तरह से आपका गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी को बोलते हैं गाल्जी काय। चलिए बेटा करेक्ट बताइए जल्दी से।
नीरज कुमार बी कह रहा है, अनुप यादव ए। बेटा गुणसूत्र इतने बड़े होते हैं क्या जिन्हें सबसे बड़ा कोशिकांग कह सकते हैं? अनुप, इतना बड़ा कर दिया क्या तुमने गुणसूत्र? हाँ मान गए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, शाबाश। नीरज कुमार, माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इतना बड़ा कोशिकांग क्या है, सबसे बड़ा पूछा है उसने। सीमा कहाँ गई, आरती कहाँ गई, रविंद्र कहाँ गया? बेटा कहाँ गए आप सभी, जल्दी से बताओ सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा? शाबाश। नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बेटा सबसे बड़ा जो कोशिका अंग होता है वो ध्यान से देख लो, आपका हमेशा क्या होगा बेटा? आप कहेंगे सर प्लास्टिड, और प्लास्टिड को बोलते हैं बेटा लवक, और लवक जो है वो प्लांट्स के अंदर ही होता है। नीरज कुमार डी ऑप्शन गलत है बेटा, इसका सही आंसर प्लास्टिड है। लवक जो होता है वो पेड़ पौधों में या घास के अंदर सबसे बड़ा कोशिका अंग है। ध्यान से देखो, सारे पेड़ पौधों में लवक होता है बेटा, पूरा पेड़ पौधा हरा भरा होता है। रविंद्र कुमार सी ऑप्शन। ठीक है बेटा रविंद्र, आपका बिल्कुल सही है। आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बेटा पहला है, पेड़ पौधों का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। पेड़ पौधों का सबसे बाहरी आवरण, पहला है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंत पदर जालिका। चलिए बेटा कोशिका झिल्ली को मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। कोशिका झिल्ली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। बेटा इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन्स, इसको बोलेंगे सेल वॉल, इसको बोलेंगे टोनोप्लास्ट, और ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये बेटा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जल्दी से बताइए। पेड़ पौधों का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? अनुप यादव बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका, और उसका आंसर है सेल वॉल। और बेटा सेल वॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? कोशिका भित्ति। तो इसका जो आंसर है बेटा वो बिल्कुल सही है, कि आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, और उसका नाम है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, पेड़ पौधों का सबसे भारी आवरण। और बेटा दूसरा पूछता तो दूसरा भारी आवरण तो आपका हो जाता कोशिका झिल्ली बेटा, दूसरा पूछता तो कोशिका झिल्ली, और आज इसने पहला पूछा है सबसे, तो आंसर होगा बेटा इसका कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है बेटा, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, या आपका बेटा हम कहें गालजी का है। कोशिका झिल्ली को बोलेंगे बेटा सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका भित्ति होता है बेटा सेल वॉल, केंद्रिका को बोलते न्यूक्लियोलस, बेटा नाम आया था न्यूक्लियोलस, और गालजी काय को बोलते हैं बेटा गोल्गी बॉडी। शाबाश। कोशिकाओं को एक शेप कौन देता है बेटा? अनुप यादव। शाबाश बेटा, जल्दी से बताइए नाइन्थ क्वेश्चन का। ए कोशिका झिल्ली, रविंदर सी। बेटा नीरज ए ऑप्शन नहीं है, रविंदर बेटा सी ऑप्शन भी नहीं है, क्या कर रहे हो आप सभी? ना तो ए ऑप्शन है नाइन्थ का बेटा, ना ही आपका सी ऑप्शन है। ये लो ए भी क्रॉस कर दिया बेटा, आपका सी भी क्रॉस कर दिया। ठीक है आप बता दो, बी और डी में से बता दीजिए बेटा। शाबाश शाबाश बेटा, जल्दी से बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ बेटा, आपका जो डी ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं गालजी काय, और गालजी काय का नाम होता है बेटा, आप इसको बोलते हैं क्या, स्केलेटन सिस्टम या स्केलेटन पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बेटा गालजी काय जो होता है ना, अब इसका आंसर सुन लो क्यों है ये। बेटा गालजी काय जो है वो सभी कोशिका अंगों की माँ कहलाती है, मदर ऑफ द ऑल सेल ऑर्गन, मदर ऑफ द ऑल
सेल ऑर्गन किसको कहते हैं? तो हम कहेंगे गाल्जिकाय। और गाल्जिकाय बेटा जब माँ है तो एक बच्चे का जो शरीर है वो माँ के गर्भ में ही निश्चित हो जाता है, तो यहाँ पे कोशिका का जो आकार है वो कहाँ पर निश्चित हो जाएगा? उसके गाल्जिकाय में, यानी कि इसका बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ आंसर? गाल्जिकाय सभी कोशिका अंगों की माँ है, और सभी कोशिका अंगों की माँ है इसीलिए इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आपका जो 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन साकित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। अनूप यादव ने अभी कमेंट किया है कि सर स्केलेटन ऑफ सेल तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। बेटा एक बात समझो, स्केलेटन सिस्टम, बिल्कुल आपका ये बात सही है, स्केलेटन सिस्टम का मतलब होता है कि कोशिकाओं के लिए एक नियंत्रित या एक निश्चित ढांचा प्रदान करना, लेकिन वो ढांचा तब बनेगा जब पहले उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। वो स्टार्टिंग जो होती है वो हमेशा सेल के इंटरनल भाग में होती है, और इंटरनल जो भाग है यहाँ पर बेटा वो आपका क्या होगा? गोल्गी एपरेटस, जिसको हम गोल्जी काय बोलते हैं। और गोल्जी काय से पहले वो चीज़ जनरेट होगी, जनरेट होने के बाद उसका डिवीजन होगा, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा तब तो आंसर होगा बेटा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। लेकिन बेटा अभी तो हमें उसको रूप देना है, अभी उसका ढांचा थोड़ी ना तैयार करना है, इसलिए अनूप यादव उसका आंसर बेटा डी होगा, जिसका नाम है गोल्गी एपरेटस। इसका ऑप्शन है बेटा गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और अंतःदर जालिका। देखो बेटा यहाँ पे आपका है, छांटिए बेटा इसमें से सही गलत जल्दी से, शाबाश बेटा जल्दी से छांटो। गाल्जी काय दूसरा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया तीसरा है, राइबोसोम चौथा है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अनूप, नीरज, रविंदर है ना, जल्दी से बेटा इसका बताइए क्या होगा 10th क्वेश्चन का। शाबाश, गोल्गी बॉडी। लो बेटा पहले इस गोल्गी बॉडी का इलाज करते हैं, शाबाश, ये तो हो गया बेटा गलत। चलो अनूप यादव बेटा ये गोल्गी नहीं होगा, गोल्जी का ये तो हो गया, इसका इलाज कर दिया, गलत है ये। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, शाबाश बेटा। बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। नीरज लो बेटा इसका भी इलाज कर देते हैं पहले, शाबाश, ये भी आपका गलत है, शाबाश। और कोई बेटा? यार तुम ऐसे मत करो, तुमने सेल पढ़ा हुआ है बहुत बार। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ बेटा, इसका जो आंसर है वो डी है बेटा आपका, और जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, इसका बेटा डी है। अनूप यादव सीका भी इलाज कर दो, लो भाई ये सीका इलाज हो गया बेटा, ये लो सीका भी कर दिया हमने। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा डी ऑप्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्योंकि यही जो होता है बेटा ये आपका झिल्लीदार, मतलब इसमें लेयर होती है आपकी, अनियमित नलिकाएं होती है बेटा, बहुत थ्रेड की फॉर्म में होती है, तो इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है लाइसोसोम है बेटा, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और आपका गाल्जी काय है, शाबाश बेटा। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है बेटा, जल्दी से बताइए।
लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्जी काय? प्रोटीन निर्माण कहाँ पर होता है बेटा? शाबाश। अनूप नीरज, बी राइबोसोम, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। इसका जो आंसर है वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइबोसोम। ये बिल्कुल सही है, ये आपका सही है बेटा, राइबोसोम इसका बिल्कुल सही है। सीमा महलावत सही आंसर है, अनूप भी सही है, नीरज भी सही है, शाबाश। ठीक है, ये इसका 11वां आंसर, 11 का बी। चलिए बेटा, आप देखो, आपका जो 12वां क्वेश्चन है उसका नाम है, कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिकाओं में होता है बेटा? कौन सा पादप अंग केवल को प्लांट के अंदर होगा? सेल वॉल, प्लास्टिड, रिक्तियां या उपर्युक्त सभी? बेटा मैं इंग्लिश में बदल देता हूँ, कोशिका वॉल होता है सेल वॉल, लवक को बोलते हैं बेटा प्लास्टिड, रिक्तियां को बोलते हैं वैक्यूओल्स, और आपका डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका जो 12 है बेटा, सीमा, नीरज, अनूप कहाँ गया भाई? अनूप जल्दी से भेजो जवाब भाई। शाबाश, अनूप का भी जवाब आ गया है, तो बेटा इसका डी ऑप्शन होगा जो आपका बिल्कुल सही है। बेटा अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर पर, कि कोशिकाएं श्वसन का सक्रिय स्थल कहाँ पर है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? यानी कि कोशिकाओं में श्वसन कहाँ पर होता है? 13वां बेटा, 13 क्वेश्चन। तो गाल्जी काय को गोल्गी बॉडी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और ये बेटा आपका लाइसोसोम। शाबाश अनूप। नीरज कुमार बेटा क्या आंसर दिया है 13वें का? डी, कोशिकाओं में श्वसन कहाँ पर होता है? सीमा बिल्कुल सही जवाब है, सीमा का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि श्वसन क्रियाओं का केंद्र जो है वो हम किसको बोलते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी बी, बी है बी, माइटोकॉन्ड्रिया, अनूप यादव माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा आपका जो 14 क्वेश्चन है वो और देखो, फोर्टीन क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखो। पहला है कि अवर्णी लवक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अवर्णी लवक जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की सेल में? शाबाश। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक को बेटा इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और बेटा जो ल्यूकोप्लास्ट है वो अपना होता कहाँ है? तो आप कहेंगे सर जड़ों में, तनों में, पत्तियों में या फूल में? शाबाश। रूट, अनूप यादव का ए ऑप्शन है रूट, यानी कि जड़ों में। तो बेटा ध्यान रखिए, जो जड़ होती है हमेशा उसका ब्राउन कलर होता है, भूरा। और ब्राउन कलर इसलिए बेटा क्योंकि एक तो वहाँ पे लाइट नहीं पहुँची, और बेटा दूसरा कारण ये है कि वो मिट्टी में दबी हुई है। तो जो रूट है वो आपका करेक्ट आंसर, सीमा बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जिसका नाम है जड़ों में की कोशिकाओं में। बेटा 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, फूलों और बीज को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट? बेटा फूलों में और आपका जो है
यानी कि बीजों में विभिन्न प्रकार के रंग कौन देता है? तो ल्यूकोप्लास्ट को तो अभी बताया था, अवर्णी लवक कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है वर्णी लवक। और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं बेटा। तो बताइए, शाबाश अनूप यादव। बेटा क्रोमोप्लास्ट का मतलब है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल तो बेटा पत्तियों को रंग देता है। ये सी ऑप्शन जो है ये पत्तियों में पाया जाता है बेटा, जबकि क्वेश्चन तो क्या पूछ रहा है वो, फूलों में और बीजों में। बेटा फूलों में और बीजों में। शाबाश अनूप यादव, आपका सी ऑप्शन गलत है बेटा। नीरज कुमार, सी गलत है। शाबाश। सीमा कहाँ गई? सीमा, आरती कहाँ गए? रविंद्र वगैरह सब कहाँ गए बेटा? वेरी गुड, जल्दी से बताइए। नहीं बता रहे? चलिए बेटा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका है क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं बेटा वर्णी लवक। बी बतायो से गुरुजी, अनूप यादव। अनूप यादव 32 बी, आप सही है बेटा। नीरज कुमार बी, आप सही है बेटा। इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। बेटा आप क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन लिख के फिर आंसर दे दिया करो। पहले क्वेश्चन नंबर लिख दो फिर आंसर दे दो, कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा है बेटा क्लोरोप्लास्ट। ऐसे ही आपका है ल्यूकोप्लास्ट, और ऐसे ही आपका टोनोप्लास्ट। शाबाश। पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है भाई? वेरी गुड। 16 का बी, नगेंद्र यादव, अनूप यादव। 16 का बी, शाबाश बेटा। ये आपका बिल्कुल जो जवाब है ये एकदम राइट है, ठीक है। हाँ, सीमा महलावत 16 ए, क्रोमोप्लास्ट। सीमा महलावत 16 का ए। बेटा 16 का ए नहीं है, ये तो फूलों और बीजों के लिए था क्रोमोप्लास्ट। लेकिन अब क्वेश्चन में बेटा वो पत्ती पूछ रहा है, पत्तियाँ, तो पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का दूसरा नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा। शाबाश, ठीक है बेटा, चलिए आगे चलिए। बेटा 17 क्वेश्चन है, कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली। इसको आत्महत्या की थैली का मतलब है बेटा सुसाइड बैग। आत्महत्या की थैली को बोलते हैं बेटा सुसाइड बैग। तो सेल का सुसाइड बैग किसको कहते हैं? ये आपके ऑप्शन है 17 बी, राइबोसोम। नगेंद्र यादव, नगेंद्र यादव, राइबोसोम को तो बेटा आपका प्रोटीन हाउस कहते हैं, प्रोटीन घर। नीरज, अनूप, सीमा और नीरज, ये बिल्कुल सही है बेटा। 17 का जो आंसर है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, नगेंद्र यादव 17 ए। अब सही है बेटा, लाइसोसोम जो होता है वहाँ पर आपकी पुरानी सेल टूट जाती है और बेटा नई सेल्स जो हैं वो बन जाती है। बेटा 18 क्वेश्चन अब आपके सामने है। सर बाई मिस्टेक हो गया। नगेंद्र भाई, दो ही तो अक्षर लिखने होते हैं, और उसमें भी बाई मिस्टेक करोगे तो थोड़ी ऐसे नहीं, एक अक्षर ही तो दबाना है आपका। अगर आप किसी लड़की को मैसेज करते हैं तब तो बिल्कुल सही टाइप होता है, क्वेश्चन आंसर में क्यों गलत टाइप करते हो आप? चलो कोई बात नहीं। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनके जीव द्रव्य को घुला देता है। बेटा एक बात देखो, यहाँ पे एक ये ही एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक ही एंजाइम का नाम है। तो
तो बेटा एंजाइम ही पूछा है क्वेश्चन में, तो बिल्कुल इसका एक ही हो जाएगा, कुछ भी मत सोचो। और इसका डी ऑप्शन, अनूप यादव, नीरज कुमार, 18A का डी, बिल्कुल सही है बात, क्योंकि इसमें और कुछ पूछा ही नहीं है, एंजाइम पूछा है और एक वर्ड के साथ ही आ रहा है, जबकि साइटोप्लाज्म जो है वो आपका कोशिका द्रव्य होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है बेटा केंद्रक द्रव्य, सेल सैप हाइड्रो, तो बेटा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सही है इसका। बेटा आप सुन लीजिए, नागेंद्र यादव डी ऑप्शन सही है। अच्छा सॉरी नागेंद्र यादव, सॉरी है बेटा, इसमें आप लड़की हैं, मैं लड़का समझ के कह रहा था, कोई बात नहीं, सॉरी है जी, पता नहीं था। चलिए बेटा 19 का आंसर दो, है ना। 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम बताएं। शाबाश, 19वें का आंसर बताइए जल्दी से। प्रोटीन 80% से ज़्यादा होता है कोशिका में, चर्बी होती है, खनिज होता है, या फिर आपका जो है जल यानी कि पानी होता है। तो शाबाश 80% से ज़्यादा, 19वें का सी। बेटा अनूप यादव 19 का सी, लगता है आपको ये सी होगा, खनिज इतने ज़्यादा हो गए क्या, कैसी बात करते हो बेटा, रॉन्ग आंसर है। अनूप यादव 19वें का सी गलत आंसर है। नगेंद्र यादव बिल्कुल ये आपका सही है, नगेंद्र यादव का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, हमारे कोशिकाओं में या हमारी बॉडी में जो पानी है ना बेटा वो आपका सबसे ज़्यादा होता है, और कोशिका में एक कोशिका अंग है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में आपका 80% से ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है। सीमा महलावत बिल्कुल ठीक है आपका, नगेंद्र डी सही है, अनूप आपका गलत है बेटा, 19 का सी डी होगा, पानी सबसे ज़्यादा है। चलिए 20वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। बेटा कोशिका सिद्धांत में मैंने नाम बताए थे आपको, कोशिका सिद्धांत पढ़ाया था, तो आपका आंसर बताओ 20वें का, पाश्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या टी स्वान। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है केवल दो, दूसरा है बेटा एक और दो यानी कि पहला और दूसरा, तीसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, और चौथा ऑप्शन है आप कहेंगे दूसरा और चौथा। शाबाश सीमा, नीरज और अनूप, बेटा बिल्कुल सही आंसर है आपके, जो 20वां क्वेश्चन है उसका डी आंसर सही है। कैसे है अब ये और सुन लो बेटा, 1838 में और 1839 में दो लोग आए थे, एक का नाम था स्नीडल और दूसरे का नाम था टी स्वान, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, और सेल थ्योरी में यही बातें बताई थी कि हर एक जीव में कम से कम एक सेल बनी होती है या एक से ज़्यादा भी सेल हो सकती है, और एक बात बताई थी हर एक जीव कम से कम एक सेल से ज़रूर बना है। तो इसका डी आंसर है बेटा, बिल्कुल नगेंद्र यादव बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे देखो 21वां, किसी उपस्थिति के कारण प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर है, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या केंद्रक। शाबाश, अनूप यादव सेल थ्योरी 1835 में दी थी सर। अरे बेटा हम आपसे गलत नहीं बोले, 1838 और 39 में दी थी, ठीक है ना, 35 में नहीं थी। अनूप यादव सेल थ्योरी 1838 और 39 में, आप तो पढ़े हुए हो सर।
बेटा पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है कोशिका कला, चौथा है केंद्रक। शाबाश बेटा। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर बताना है तो एक बात देखो, मेनली जो अंतर होता है बेटा वो आपका कोशिका भित्ति, यानी कि ये रहा। तो इसका अगर देखा जाए तो बेटा बी ऑप्शन सही है, लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट भी देखें इसका ए ऑप्शन, तो बेटा क्लोरोप्लास्ट का मतलब तो क्या है? आप कहेंगे सर क्लोरोप्लास्ट का मतलब तो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल भी किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो आंसर है बेटा वो ए और बी दोनों होने चाहिए। इसका जो आंसर है बेटा वो आपका ए और बी, केंद्रक। बेटा केंद्रक तो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी। डी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, और ना ही आपका सी होगा बेटा, कोशिका कला भी नहीं होगा। इसका आंसर पहला और दूसरा दोनों होंगे बेटा, लेकिन अगर पहले टिक करने की बात आए तो हम कोशिका भित्ति से उसको सेपरेट करेंगे, इसलिए इसका बी आंसर सही है, कोशिका भित्ति पहले आएगा। नगेंद्र यादव देखो बेटा एक बार फिर से। बाईसवा क्वेश्चन है बेटा, सीमा महलावती 21 का डी। बेटा 21 का डी कैसे हो जाएगा? केंद्रक कहाँ नहीं होता, प्लांट में नहीं होता या एनिमल में नहीं होता? हाँ बेटा शाबाश। गालजी काय का प्रमुख कार्य बताइए, वर्किंग ऑफ, जिसका नाम है बेटा सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स को बोलते हैं तारक काय। गालजी काय श्वसन में सहायक है, दूसरा है बेटा कोशिका विभाजन शुरू करने में सहायक है, तीसरा है पाचक रस उत्पन्न करता है, या चौथा है बेटा श्रावी। शाबाश। नीरज कुमार 12वें का बेटा, नहीं सॉरी 22वें का सी ऑप्शन आएगा। आर यू श्योर? 22वें का बी। शाबाश, 22वें का बी बताया है भाई, जो कि कंप्लीट गलत है बेटा। नीरज तेरा भी गलत है, अनूप तेरा भी गलत है भाई, बी और सी ऑप्शन गलत है। सीमा महलावत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका, और वो होता है बेटा स्रावित करना। आपके जो बेटा वेस्ट हो जाते हैं ना, बेकार जो बेकार चीजें होती है उनको कोशिकाओं से बाहर निकालना। नगेंद्र यादव बेटा बी ऑप्शन गलत है आपका। बेटा जो पाचक या अपशिष्ट चीजें होती है उन चीजों को बाहर निकालने का काम करता है गालजी का है, स्रावित करने का काम करता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। आगे देखो बेटा 23rd क्वेश्चन देखो अब। एग्जाम वर्सेस यू। नमस्कार सर जी। भाई नमस्कार, वेरी वेरी नमस्ते भाई। भाई इसका आंसर और दो। शाबाश। निम्न में से कौन सा कोशिका डीएनए रखता है बेटा? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स को बेटा तारक काय बोलते हैं, गालजी काय को गोल्गी एपरेटस बोलते हैं बेटा, लाइसोसोम को बेटा लाइसोसोम ही बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। 23वें का सीमा महलावत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। शाबाश सीमा, बिल्कुल सही आंसर है आपका कि भाई कौन सा कोशिकांग में डीएनए होता है, तो आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया में। एक आपका क्या होता है? डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। नगेंद्र यादव बिल्कुल सही है आपका। बेटा अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नहीं होता, अगर आपका इस क्वेश्चन में माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पे एक दूसरा नाम होता, और जिसका नाम है प्लास्टिड, और प्लास्टिड को बोलते हैं लवक। प्लास्टिड को बोलते हैं लवक, तो भी आंसर ठीक हो जाता। और अगर आपके माइटोकॉन्ड्रिया
और प्लास्टिड दोनों नहीं होते, तो यहाँ पे न्यूक्लियस अगर ऑप्शन होता, और न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक, तो केंद्रक भी इसका सही हो जाता। तो आप ये ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक यानी कि प्लास्टिड, और एक आपका बेटा न्यूक्लियस, इन तीनों के पास खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सही है, प्लास्टिड यानी कि लवक होता तो भी ठीक था, और ऐसे ही आप कहते न्यूक्लियस तो भी बेटा इसका सही आंसर माना जाता। बेटा अगला क्वेश्चन है, देखो चौबीसवा क्वेश्चन देखो बेटा, कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए ऑप्शन है लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम्स, बी ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड राइबोसोम्स, तीसरा है गाल्जी काय एवं माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा चौथा है बेटा लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। शाबाश, नीरज कुमार बेटा बिल्कुल गलत आंसर है, सी ऑप्शन गलत है इसका, सी ऑप्शन नहीं होगा बेटा इसका। चौबीसवे का बेटा सी गलत है। सीमा, सीमा क्या कर रहे हो, ये गलत है बेटा। बेटा प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जाहिर सी बात है बेटा प्रोटीन का निर्माण होना या बनना या टूटना कहाँ पर होगा, राइबोसोम पर। सर जी ए, बेटा ए कैसे हो जाएगा, बेटा ए कैसे हो जाएगा, इसका तो बी आंसर होगा, राइबोसोम आ तो रहा है इसमें बी ऑप्शन में। नागेंद्र यादव, बी ऑप्शन सही है आपका बेटा, नागेंद्र यादव ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नगेंद्र यादव बेटा आपका नाम क्या है बताना मुझे, एक बार आप अपना नाम बता दे मुझे बेटा प्लीज। बेटा जहां पे राइबोसोम आ जाएगा बस वही आंसर है, खत्म, बात सोचना ही नहीं है। राइबोसोम को ही प्रोटीन हाउस कहते हैं बेटा उसको, है ना, या हम कोशिकाओं का इंजन भी किसको कहते हैं, राइबोसोम को ही कहते हैं। इसका बी सही आंसर है। प्रिया, ठीक है भाई, देखो प्रिया अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? शाबाश बेटा, शाबाश बेटा बताया कुछ, 25वें का क्या बताया, बी। और बेटा और बताइए, नीरज कुमार ने बताया 25वें का बी, बेटा आप भी बता दीजिए। शाबाश, तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है आपके 25वें का, वो बेटा आपका हो जाएगा जिसका है बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन का मतलब होता है एजिंग।
घेरा बेटा। तो 25वें का जो ऑप्शन होगा बेटा वो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, नगेंद्र यादव। नहीं पता सर? देखा बेटा, एक क्वेश्चन ऐसा आया है जिसको आपका आंसर नहीं पता है, लेकिन इसको कहेंगे बेटा एजिंग, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है बेटा, इसका आंसर होगा आपका डी, सॉरी बी होगा बेटा, एजिंग बोलते हैं। अब वो कैसे हुआ ये और सुन लो बेटा, बी आंसर ऐसे हुआ है। एजिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो डेथ के बाद बेटा ख़त्म हो जाए, या उसको वहाँ से हटा देना। हटाने का मतलब होता है बेटा उसको कंट्रोल करना, तो इस प्रोसेस को हम एजिंग के नाम से जानते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिकाओं में नहीं होता? बेटा कौन सा अंग जंतु कोशिकाओं में नहीं होता? लवक नहीं होता, गाल्जी काय नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, या आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं होता? सर क्लास डेली होती है, नीरज ने पूछा है। बिल्कुल बेटा, आज से स्टार्ट की आपकी ये क्लास, रोजाना होगा। तो 26 का ए सीमा महलावत, 26 का ए बिल्कुल सही बात है बेटा। जो आपका क्लोरोफिल होता है यानी कि लवक, वो केवल प्लांट के अंदर होता है बेटा, आपका एनिमल्स के अंदर नहीं होता। तो सीमा, नीरज और अनूप बिल्कुल सही जवाब है आपका, 26 का ए हो जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन है, बेटा लाइसोसोम कार्य क्या करते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में भाग लेते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन में, या वसा के संश्लेषण में? शाबाश बेटा, 27वें का आंसर बताइए। नीरज कुमार ए, बेटा ए गलत आंसर है नीरज। लाइसोसोम कोई प्रोटीन का थोड़ी काम करेंगे, फिर राइबोसोम क्या करेंगे, छत्ता तोड़ेंगे, कैसी बात करते हो, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ेगा क्या फिर वो राइबोसोम? अगर लाइसोसोम यही काम करेगा। नगेंद्र यादव, बेटा डी ऑप्शन गलत है नगेंद्र, शाबाश, ये भी आपका गलत है, ऐसी पढ़ाई मत पढ़ो बेटा, ऐसी पढ़ाई तो सब पढ़ रहे हैं, तुम क्यों पढ़ रहे हो ऐसी? नीरज, नगेंद्र, बेटा दोनों के गलत ऑप्शन है ए और डी, आप तो बता दो सही। बेटा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, अंतःकोशिकाएं पाचन में। बेटा ये कोशिकाओं को पचाने का काम करते हैं, और जब कोशिकाएं पच जाएंगी तो बेटा वो टूटकर नष्ट हो जाएंगी। बेटा नीरज ये समझ नहीं पाए आपने क्या लिखा है। सर उसे महल कहते हैं, किसे महल कहते हैं बेटा? बेटा 27वें का सी ऑप्शन सही है, सी, अंतःकोशिकाओं में पाचन लेता है बेटा, तभी तो वो पुरानी कोशिकाओं को तोड़ता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या अपारगम्य? बेटा इसका इंग्लिश में मीनिंग बता देता हूँ मैं। पारगम्य का मतलब होता है पैरामेबल, पैरामेबल को बोलते हैं बेटा पारगम्य, अर्धपारगम्य को सेमी पारिमेबल, और अपारगम्य को बोलते हैं बेटा डी ऑप्शन यानी कि नॉन पैरामेबल, और चयनात्मक को बोलते हैं आपका सेलेक्टिव पैरामेबल।
शाबाश बेटा, बताइए 28 का क्या आंसर होगा। शाबाश बेटा, वेरी गुड, बताइए। नीरज कुमार ए, पारगम्य। और देखो बेटा, शाबाश, और देखो, नागेंद्र यादव कहाँ गया, अनूप कहाँ गया, शाबाश, जल्दी से बताइए बेटा। अनूप यादव ए। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो आपका 28वें का फर्स्ट ही है, जो वो इसका सही आंसर बेटा पारगम्य, इसको हम पैरामेबल बोलते हैं बेटा, पारगम्य, जो कि इसका सही आंसर है, यानी कि 28 का फर्स्ट होगा। बेटा अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी भाग कहलाता है त्रिष्टि, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स और माइक्रोसोम। शाबाश बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी भाग क्या कहलाएगा, क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स या माइक्रोसोम्स। 29 का बी। बेटा बी गलत है, बी गलत है आपका। नीरज कुमार ए ऑप्शन, मनीषा 29 का बी। बेटा बी तो गलत है मनीषा, बी गलत है आपका। शाबाश, नीरज कुमार का ए ऑप्शन, और कोई है क्या? नीरज कुमार 1007%। तो बिल्कुल भाई, जब इतना ही दावा कर दिया आपने तो चलिए इसका बता देते हैं कि इसका 29वें का आपका सही आंसर है, और वह है बेटा क्रिस्टी। तो हम यही कहेंगे कि इसका सही आंसर है। अब मनीषा ने सही जवाब दिया है, नागेंद्र ने भी सही दिया है, अनूप ने भी सही दिया है। अब सही आंसर है कि इसका बेटा क्रिस्टी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, यीस्ट में, कवक में, जीवाणु में या हरे शैवाल में। शाबाश बेटा, बताइए। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया किस में अब्सेंट होगा, कैसी बात कर दी तुमने मनीषा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। बेटा हरा शैवाल, तो शैवाल तो आपका वो है यूकेरियोटिक, बहुकोशीय है, और क्या बहुकोशीय कोशिकाओं में क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? सीमा, सीमा डी ऑप्शन कैसे हो जाएगा 30वें का। इसी तरह से नीरज कुमार ए, बेटा यीस्ट नहीं होगा, यीस्ट गलत है आपका। अनूप यादव, इसका बिल्कुल सही जवाब है, और वो होता है बेटा जीवाणु। और बेटा जीवाणु आपका मोनेरा जगत में आता है, जीवाणु आता है मोनेरा जगत में, और मोनेरा जगत के जो जीव है बेटा वो यूनिसेल्युलर है, एक कोशीय है बेटा। और एक कोशीय जीवों में क्या नहीं होता, आप कहेंगे सर एक कोशीय जीवों में आपका जो है सीमा, सॉरी गलत पढ़ा यार, इतनी बड़ी तो स्क्रीन चल रही है, कोई कहता है मुझसे गलत टाइप हो गया, किसी को लड़की को मैसेज करते हो जब बड़े सावधानी से करते हो, आप कैसे आंसर गलत टाइप हो रहा है, ध्यान दो बेटा। तो इसका सही आंसर है बेटा सी, बिल्कुल सही है। बेटा आज आपकी जो है लाइव क्लास हुई साइंस की, बहुत अच्छी, आपने उसमें बहुत सही जवाब दिए बेटा। हमने ये कोशिका से जुड़े हुए क्वेश्चन किए, अगले क्लास में फिर मिलेंगे बेटा इसी टाइम कल 12 बजे से 1 बजे तक। तो बेटा आपका सारा प्रैक्टिस सेट है ये, आप चैप्टर को पढ़ कर रखें और उसको सोच समझ कर ही जवाब दें,
तो बेटा मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सॉरी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो बेटा मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्दी, है ना? और आपने बिल्कुल सही जवाबों का दिया है। ठीक है जी।